अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया है जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता चला जाएगा। क्या फर्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं? जिसने जैसी सोच बना ली उसके लिए हम वैसे ही हैं। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम ज्ञान ज़्यादा देते हैं। जब दुनिया आपको कमज़ोर समझे तो आपका जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। तू बेशक ही रहे लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी हैसियत से समझता है। सच्चे मित्र के तीन लक्षण हैं, अहित को रोकना, हित की रक्षा करना और विपत्ति में साथ नहीं छोड़ना। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के लिए जो आंसू पीता है। पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो उससे कोई कभी भी नहीं जीत सकता। चाहे कितना भी कमा लो लेकिन कभी घमंड न करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोरे एक ही डिब्बे रख दिए जाते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करें। आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। किसी को दुख पहुंचाना उतना ही आसान है जितना समुन्द्र में पत्थर फेंकना, लेकिन ये एहसास कोई नहीं कर सकता कि वो कितनी गहराई तक जाएगा। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आस कम और विश्वास ज़्यादा हो। भले ही धर्म कम हो पर कर्म अच्छे हो। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की गलती तो देखता है पर अपनी गलती को नहीं देख पाता है। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर कुछ कदम चलना मुश्किल है। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो वो है पिता, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीता हो और वो है माँ। जो आपकी बुराई करे करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी हरकत छोटी सोच के लोग ही करते हैं। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो लेकिन उम्मीद मत करना। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है ना उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है लेकिन लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करता है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ ये सोचना शुरू कर दीजिए। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो
तो समझो खेल खत्म। उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। हर एक काम आसान होता है, केवल आपके अंदर उसे करने का जुनून होना चाहिए। अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। भरी जेब आपको कई गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने सोचने का तरीका बदलिए। हमें अपना सपना जीने में बहुत डर लगता है, इसलिए हर कोई अपना सपना नहीं जी पाता है। गलती करने से मत डरिए, अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझिए। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया है। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे कुछ नहीं बदल सकते। जिसके पास धैर्य है, वह जो चाहे वो पा सकता है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गा रहे हो। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। सबको माफ़ करके सोया करो, जिंदगी कल की मोहताज नहीं होती। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।